इंतजार कर रहे हैं कि चूंकि अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ है सर, 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी थे और इधर से उधर तो नहीं जाना पड़ा, आपने उनके लिए सुविधा कर दी, जिलों में सेंटर दे दिए, लेकिन इसके बावजूद एक दो जगह से ऐसी चर्चाएं रही सर कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपके पास या चेयरमैन साहब के पास जानकारी होगी कि क्या वाकई में पेपर लीक था या अफवाह थी, लेकिन क्या ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चे दे सकते हैं, जो बच्चे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ऐसे सेंटर बना दिए जाए? अभी ग्रुप सी और डी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ये ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन का विचार भी करेंगे तो हायर जो टाइप की जो नौकरियां होंगी उसके लिए करेंगे, क्योंकि 10वीं का 12वीं का ये विद्यार्थी अभी ऑनलाइन के लेवल पर नहीं आ सकता कि उनको हम ऑनलाइन लें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही ये ठीक है कि एक केस पकड़ा गया है और उस केस में कोई एक टेक्निकल आइटम लेकर के और वह व्यक्ति अंदर गया था, उसने बहुत बारीक चिप एक उससे बरामद हुई और उस चिप के माध्यम से वो सारा सिस्टम पता लग गया है, उसमें जो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे उनका भी पता लगा है, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज़्यादा आगे कहीं बढ़ा होगा। कोशिश उनकी रही होगी कि बहुत बड़ा एक कोई स्कैंडल करने की, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को पकड़ने के लिए भी टेक्निकल चीज़ें ही जरूरत है। अभी उसकी छानबीन चल रही है कि कहाँ तक क्या किसकी उसकी कोशिश की गई होगी। अभी चूँकि बहुत पुराने ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो हर चीज़ की कहीं ना कहीं काट निकालते हैं, अब टेक्निकल लड़ाई तो टेक्निकल चीज़ों से लड़ी जाएगी, अब उसका प्रबंध कर रहे हैं हम कि कैसे उसको आगे करेंगे, लेकिन आगे ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं फ्लॉ ऐसा जो एक जगह मिला है, इसमें कहीं ना कहीं कोई शरारत जो की गई है या इस प्रकार का जो अपराध किया गया है, बहुत ही टेक्निकल आदमी ने जिसको सारी चीज़ों की जानकारी होती है उसने किया है, तो उसको एक छोटी चिप के माध्यम से और वो सारी दूर बैठा हुआ आदमी कोई उनको बता रहा था उस